नमस्कार, मैं हूं समीर परवेज और आप देख रहे हैं अपना चैनल फन टीवी। चलिए डालते हैं खबरों पर नजर। आए दिन चोरी की वारदातों से चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और पुलिस महज मूक दर्शक बनी हुई दिख रही है। बता दें कि मामला बीती रात खेड़ा रोड बाग वाली मस्जिद के पास स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र का है, जहां चोरों ने बड़ी चतुराई दिखाते हुए पहले तो ग्राहक सेवा केंद्र का ताला तोड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने अंदर गल्ले का ताला तोड़कर बड़ी चतुराई से वहां रखी 40,000 की नकदी ले उड़े। सुबह 10 बजे जब ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक नदीम अहमद पुत्र सईद अहमद सेंटर को खोलने पहुंचा तो केंद्र का ताला पाया। अंदर जाकर उसे गल्ले में रखी 40,000 की नकदी गायब मिली, जिससे वह हक्का बक्का रह गया। तभी उसने चोरी होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं कोतवाल उमेश सिंह दानू ने बताया कि बीओबी के ग्राहक सेवा केंद्र के 40,000 की नकदी चुराए जाने का मामला संज्ञान में आया है। पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए उनकी तलाश में जुट गई है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का बिजनेस सेंटर चलाता हूं। रात जब मैं यहां से अपना ऑफिस बंद करके गया तो सब कुछ सही था। अब जब सुबह में लगभग 9:45 बजे के आसपास मैंने आके अपना ऑफिस खोला तो देखा तो ये टूटा पड़ा था। फिर मैं अंदर गया, फिर मैंने चाचा को फ़ोन किया अपने। चाचा फ़ौरन आए, उन्होंने भी देखा तो जहाँ पर मैं पैसे रखता हूँ जिसमें मेरा कैश रहता है, वो उसका लॉक भी टूटा हुआ था। कितने रुपये? उसमें 40,000 रुपये थे। 40,000 रुपये तो कुछ चिल्लर थी। और कोई सामान? सामान कुछ चोरी नहीं हुआ, सिर्फ यही मेरा कैश निकला है। तो अब आपने क्या करा, पुलिस को सूचना दी? मैंने हाँ पुलिस को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला मैं छुट्टी पे हूँ। दूसरों को फ़ोन किया तो उन्होंने बोल दिया मैं बाहर। फिर उन्होंने तीसरे का नंबर दिया तो उन्होंने ही बोल दिया कि मैं बाहर। तो अब आगे आप क्या चाह रहे हैं? कम से कम आगे यहाँ पर कुछ कार्रवाई तो करी जाए। मेरा इतना केस गया है, मैं इतना ज़्यादा वो छुट्टी नहीं है मेरे पास। जसपुर की ताज़ा खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर फन टीवी जसपुर लॉगिन करें, सब्सक्राइब करें।